Hello friends, I am Tarannum Parveen Ansari, a biology teacher, and I welcome you all to my YouTube channel Tarannum's Biology. Hope you all are fine. तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड द एजुकेशन सिस्टम कई समय से काफ़ी स्ट्रगल कर रही है, जिसके चलते कई सारे स्कूल्स प्लस कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो हैं उन्होंने ऑनलाइन टीचिंग जो है उसका कारवा शुरू कर दिया है. तो लेट्स टेक द एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू एंड लेट्स मेंटेन द फ्लो ऑफ द स्टडी. तो आज के इस वीडियो के दौरान हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एंड द क्वेश्चंस विथ विच विल बी डीलिंग टुडे इज़ फ्रॉम द टॉपिक सेल डिविजन. ओके, सो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 128 सेल्स. लेट मी राइट इट ऑन द बोर्ड. How many mitotic divisions are required to form 128 cells? Okay, and the options are 7, 64, 128 or 10. So, सबसे पहले क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि एक सेल है, एक पेरेंटल सेल है, उसे 128 डॉटर सेल्स बनाने हैं, तो कितने माइटोटिक डिविजन्स में से उसे गुजरना होगा? ऑप्शंस है 7, 64, 128 और 10. तो माइटोटिक डिवीजन का जो जिक्र किया गया है क्वेश्चन में, हमें पहले उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. हम जानते हैं कि माइटोटिक डिवीजन के दौरान एक पेरेंटल सेल अपने आप को दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट करता है. ओके, वाया सिंगल माइटोटिक डिवीजन. अब यही दो डॉटर सेल्स अगेन दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो अब जो डिवीजन हुआ, दिस इज सेकेंड माइटोटिक डिवीजन. ये कॉन्सेप्ट हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं. सो इसे ही हम अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर कि वन सेल व्हेन डिवाइड माइटोटिकली इट विल फॉर्म टू डॉटर सेल्स, टू विल डिवाइड फॉर्म फोर डॉटर सेल्स, फोर सेल्स टू एट, 8 to 16, 16 to 32, 32 to 64 and 64 to 128. तो हम इस नंबर तक पहुंच गए जो नंबर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है. ओके, तो एक सेल यहां पे कन्वर्ट हो गया 128 सेल्स में वाया हाउ मेनी डिविजन्स, वाया 7 डिविजन्स, 7 माइटोटिक डिविजन्स. सो this is first mitotic division, this is second, this is third, fourth, fifth, sixth and seventh. Okay, तो ये बात हो गई कि यदि एक सेल को 128 सेल्स बनाने हैं, so it's very clear कि उसे 7 times mitotically divide होना पड़ेगा. So the answer is 7. Okay, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 7. पर यदि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी फिगर, कोई बहुत बड़ा अमाउंट दे दिया है, तो आप ये इतनी लंबी जो प्रोसीजर है उसे फॉलो यदि करने जाएं तो आपका काफ़ी सारा टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाएगा. ओके, सो इस कॉन्सेप्ट पर से हम यहाँ पर एक फार्मूला जनरेट करते हैं एंड दैट फार्मूला इज 2^n. इस फार्मूला के अंदर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिविजन्स. ओके, 2^n इज इक्वल टू जो नंबर आपको क्वेश्चन में दिया गया है, 2^n इज इक्वल टू व्हाट? द नंबर विच हैज़ ऑलरेडी बीन गिवन इन टू द क्वेश्चन, दैट इज 128. ओके, आपको जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं जिस पर आपको डाउट है कि ये आंसर हो सकता है, उसे आप n की जगह पर रखिए. उसका आंसर यदि डॉटर सेल्स के नंबर जितना आता है, सो दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. ओके,
So this is the first question. Now let's solve one more question from the topic cell division, which is again a very interesting and important too from the entrance exam point of view. So the question is, a cell divides by mitosis in 1 minute. Okay. If a culture tube is half filled in 20 minutes, when will the tube will be completely filled? Okay. So क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सेल है जो कि 1 मिनट में 2 डॉटर सेल्स बना रहा है. ओके, 1 पेरेंटल सेल विल फॉर्म 2 डॉटर सेल इन 1 मिनट. और यही सेल यदि हम कल्चर ट्यूब में रखते हैं और ये कंटिन्यूसली यदि 20 मिनट तक डिवाइड हो रहा है, तो वो ट्यूब हाफ फिल्ड हो जाती है. तो उस ट्यूब को यदि हमें कंप्लीटली फिल करना है तो कितना समय लग सकता है? ओके, so let me write the question on the board. This is the second question from the same topic. A cell divides by mitosis in 1 minute. Okay, so this is clear. Now, if a culture tube is half filled in 20 minutes, when the tube will be completely filled? Okay, so the options are 60 minutes, 23 minutes, 21 minutes, or 80 minutes. Okay, so let's solve this. क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक पेरेंटल सेल 1 मिनट का समय लेकर अपने आप को 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर रहा है. सो इफ दिस इज अ पेरेंटल सेल विल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स विद इन 1 मिनट. ओके, अब यही सेल यदि कल्चर ट्यूब में है, से फॉर एग्जांपल दिस इज अ कल्चर ट्यूब, ओके, ये सेल यदि 20 मिनट तक डिवाइड हो रहा है, तो कल्चर ट्यूब जो है आफ्टर 20 मिनट हाफ फिल्ड हो जाएगी. ओके, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसी ट्यूब को यदि कंप्लीटली फिलअप करना हो तो कितना टाइम लग सकता है? ओके, अब स्टूडेंट्स जो है वो यहीं पर मिस्टेक करते हैं. उन्हें क्या लगता है कि क्वेश्चन में यदि ट्यूब जो है वो 20 मिनट में हाफ फिल्ड हो रही है, तो 20 + 20 = 40 मिनट्स में ट्यूब कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगी. बट दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. आप ये चीज़ याद रखिए कि जो भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेने वाली जो अथॉरिटी है, वो कभी भी इतने सिंपल क्वेश्चन के लिए या फिर इतने सिंपल आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स बिल्कुल नहीं देगी. सो लेट्स सॉल्व दिस. हमें यहाँ पर हिंट दे दिया गया है क्वेश्चन में ही कि सेल माइटोटिकली डिवाइड हो रहा है. ओके, नाउ व्हेन द सेल डिवाइड्स माइटोटिकली
इट इज़ टेकिंग ओनली 1 मिनट. यहाँ पर कल्चर ट्यूब हाफ फिल हो गई है. अब यही सेल यदि एक बार और डिवाइड कर देंगे सारे के सारे सेल्स, तो ये ट्यूब कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगी. और एक बार यदि इनको डिवाइड करना है तो ये कितना टाइम लेंगे? ओनली 1 मिनट. सो सिर्फ 1 मिनट और एक्स्ट्रा यदि इनको मिल गया तो द ट्यूब विल बी कम्प्लीटली फिल्ड. ओके, सो द आंसर इज 20 + 1 = 21 minutes. ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो आज हमने ये दो क्वेश्चंस रिगार्डिंग सेल डिवीजन फ्रॉम योर 11th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक NCERT बायोलॉजी के रिलेटेड सॉल्व किए. ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस, कुछ डायग्राम्स, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ टॉपिक्स के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू.